वहीं चमोली में गोविंद घाट में हेमकुंड और लक्ष्मण लोकपाल यात्रा की तैयारियों के लिए बनाए गए रास्ते का निरीक्षण किया गया। गोविंद घाट गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की टीम ने यह निरीक्षण किया। बता दें कि चार धाम यात्रा के साथ ही चमोली जिले में अब हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट की ओर से हेमकुंड और लक्ष्मण लोकपाल यात्रा को लेकर भी तैयारियां शुरू की जाने लगी है, जिसे देखते हुए गोविंद घाट गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की चार सदस्यों की टीम पैदल मार्ग का निरीक्षण कर वापस लौट आई है। निरीक्षण को लौटी टीम का नेतृत्व कर रहे प्रबंधन कमेटी के मैनेजर सेवा सिंह के मुताबिक इस साल बर्फबारी कम होने के चलते पैदल मार्ग पर अटलाकुड़ी से आगे हेमकुंड साहिब तक बर्फ जमी हुई है, जबकि पुलना और घंगरिया के बीच में दो तीन स्थानों पर पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं कुछ स्थानों पर विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त बताई गई है, लेकिन उन्होंने पैदल मार्ग पर पेयजल स्रोतों के सूखने के चलते इस साल यात्रा काल में पेयजल आपूर्ति को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने की वजह से इस साल यात्रियों को सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए विशेष तौर पर काम करना होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।